आज बनाते हैं एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी ओट्स चीला, वो भी बहुत सारी सब्जियों के साथ। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और खाने में टेस्टी भी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बोल में 2 बड़े चम्मच प्याज लेंगे, 2 बड़े चम्मच ब्रोकोली। इस रेसिपी में आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच गाजर, 1 बड़े चम्मच बीन्स, 2 से 3 बड़े चम्मच शिमला मिर्च और 3 बड़े चम्मच पत्ता गोभी। इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, या अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इसमें 3 बड़े चम्मच ओट्स डाल देंगे। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 1 छोटी चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, जिससे कि ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी की हो जाए। हमें इसमें इस स्टेज पे बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। सब्जियां भी अपना पानी रिलीज करेंगी तो ये बैटर बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा, इसलिए अभी 2 से 3 बड़े चम्मच ही पानी ऐड करें। अगर आपको लगे कि ये बैटर इकट्ठा नहीं हो रहा है और सब्जियां बिल्कुल बिखर रही हैं, तो आप इसमें 1 बड़े चम्मच बेसन और ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये मिक्स अब बिल्कुल रेडी है, तो अब इसका चीला बनाते हैं। अब इस बैटर को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, जितना पतला हो सके उतना पतला स्प्रेड करेंगे इसे, जिससे कि इसे कुक होने में थोड़ा कम टाइम लगे। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक दोनों तरफ कुक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, इसलिए इसे कुक होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। इसे एटलीस्ट 2 मिनट तक नीचे से अच्छे से कुक होने देंगे, उसके बाद ही इसे पलटेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, अभी तक हमने इसमें बिल्कुल भी तेल का यूज नहीं किया है। पर अगर आपको लगे कि आपके पैन में ये चीला चिपक सकता है, तो चीला डालने से पहले आप इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं। पर इस पैन में चीला बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, इसलिए मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है। 2 मिनट हो गए हैं और ये नीचे से अच्छे से सेट हो गया है। चीला इस तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, दूसरे साइड से भी इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक नहीं होंगी। चीला दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हेल्दी चीला बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने फेवरेट चटनी के साथ या दही के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।